हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे स्वस्थ हैं। तो आज है महाशिवरात्रि और हम लोग जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने। तो चलिए आप लोग भी मंदिर में, और चलिए आप लोग को भोले बाबा का दर्शन कराते हैं। ब्लॉग पे पूरा बने रहिए, और कैसा लगता है ब्लॉग एक बार कॉमेंट कीजिए। मैंने घर का सारा काम वाम करके, घर पर पूजा वूजा करके अब जा रहे हैं लोग मंदिर। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ मंदिर। और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मम्मी यहाँ बैठ के फूल का माला बना रही है। गेंदा के फूल और वो अकोन का फूल का माला बन रहा है। तो देखिए कैसे बन रहा है। तो आप लोग ब्लॉग पे पूरा बने रहिए। और यहाँ पे माला वाला बना के मम्मी यहाँ पे सारा फल वल धो के रख रही है पूजा करने जाने के लिए, क्योंकि जाना है पूजा करने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे सारा फल वल धो के रख दी और थाली वाली अच्छा से सजा दी। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा बाबू रेडी हो गई है जाने के लिए मंदिर पे, और ये फ्रॉक पहनी है। आज थोड़ा खड़े हो जाइए तो बेटा, बेटा जी थोड़ा खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। वेरी गुड, वाह बापी, वो तो इतना बड़ी हो गई रही। बाबू कहाँ जाएगी, जय करने जाएगी? ऑफिस ये ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाएंगे किसके साथ? पापा जी तो चले गए, पापा जी तो ऑफिस गए। तो दोस्तों देख लीजिए बाबू रेडी हुए, बोल रही है हम ऑफिस जाएंगे, मंदिर पर जाने के लिए रेडी हुई। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर पर जाने के लिए पांव रंग रहे हैं। तो पांव में देवरानी जो है आलता लगा रही है, बहुत लेट हो गया था तो लिख दीजिए भाभी आपका पांव में आलता लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पांव में आलता लगा होगा कि हम लोग रेडी हो गए। चलो उठाओ, नहीं चलो चलना है। Thank you.
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं शिवरात्रि में खाने के लिए हमने उबाला है अलुआ और बनाया है चाय, और इधर है दूध गरम किया है और चाय हम लोग पी लिए हैं दोपहर में। उसके बाद से अलुआ और दूध दही और अलुआ खा लिए हैं। तो आप लोग क्या खाते हैं शिवरात्रि में? तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग अलुआ और दूध खा रहे हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए, इसको भी खा लीजिए अलुआ दूध। हम लोग शिवरात्रि शिवरात्रि का फास्टिंग है तो कौन कौन शिवरात्रि कर रहा है वो कमेंट करो। और आप लोग शिवरात्रि में क्या क्या खा सकते हो? अलुआ दूध खा सकते हो, दूध आलू खा अलुआ खा सकते हो, दही खा सकते हो, फल उल खा सकते हो। तो अगर फास्टिंग हो तो चलो ब्लॉग को बने रहो, कैसा लगा ब्लॉग कमेंट जरूर करो।